नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत वसई विरार की परिवहन सेवा जो है वह बुजुर्ग, दिव्यांग एवं कैंसर रोगियों के लिए फ्री है। पिछले कुछ सालों से आने वाली 31 तारीख तक जूने सभी के पास जो 31 तारीख को एक्सपायर होने वाले हैं उसको लेकर महानगर पालिका ने एक बार फिर लोगों से आह्वान किया है कि लोग आए और अपना पास 31 तारीख के पहले ही रिन्यूअल कराए। आप सभी जानते हैं कल 14 मार्च को वसई विरार महानगर पालिका का बजट था। इस बजट के पहले, आम बजट के पहले परिवहन बजट पेश किया गया और उस बजट के बाद आज हमारे इस चैनल के माध्यम से परिवहन सभापति भरत गुप्ता, उन्होंने लोगों से आह्वान किया है, बुजुर्गों से आह्वान किया है कि आप आइए और अपने पास को रिन्यूअल कराइए। भरत गुप्ता ने एक डेटा देते हुए बताया कि पिछले साल में 18,000 लोगों ने फ्री बस पास की सेवा का लाभ लिया था और इस साल महानगर पालिका ये आह्वान कर रही है कि और भी ज़्यादा लोग, जिन लोगों के पास पहले से पास है वो रिन्यूअल कराएं और जिनके पास नहीं है वो भी नए पास के लिए अप्लाई करें। तो कहीं ना कहीं वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र के बुजुर्ग, दिव्यांग और कैंसर ग्रस्त लोगों के लिए ये योजना पिछले कुछ सालों से चला रही है और इसको योजना को आगे भी जारी रखे हुए है। तो आप सभी को मेरे चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहूँगा, आप लोग जल्द से जल्द अपने पास को रिन्यूअल करें। नज़दीकी महानगर पालिका कार्यालय, प्रभाग कार्यालय में जा सकते हैं आप और कुछ जगहों पर महानगर पालिका द्वारा कैंप भी लगाए जा रहे हैं, उन कैंप में जाकर आप अपने पास को रिन्यूअल करें। करीब करीब एक सप्ताह के भीतर आपको अपने नए पास महानगर पालिका देने की प्रयास करेगी, ऐसा परिवहन सभापति ने अपने बयान में कहा है। सुनिए क्या कुछ कहना है परिवहन सभापति का। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। आने वाले बजट में आपने बुजुर्गों के लिए क्या नए प्रोविजंस किए हैं? क्या आपकी जो पुरानी सेवा है वो आगे भी बनी रहेगी, लोगों को फ्री मिलेगा और क्या उसका दायरा बढ़ाया गया है? नमस्कार, सबसे पहले आप सच सही बोले हैं कि कल ही हमने माननीय प्रशासक आयुक्त जी को बजट पेश किया है। हमारा बजट शाम को मंजूर भी हो गया है। ये जो बजट है इसमें हमने 58,86,000 का बचत का ये बजट है। 48 करोड़ रुपए का मूल बजट था, उसमें हमने जो बचत का 58,86,000 का बजट हमने मंजूर किया है। अभी जो टोटल 48,00,000 करोड़ रुपए के सामने हमने बुज़ुर्गों के लिए जो अभी तक की सेवाएं हैं, सिर्फ बुज़ुर्गों के लिए नहीं बल्कि बुज़ुर्ग हैं, दिव्यांग हैं और कैंसर पीड़ित हैं, डायलिसिस वाले हैं, इन सभी लोगों को हमने फ्री पास की योजना जो उससे पहले थी अपने लोकनेता हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ठाकुर जी के निर्देश में जैसे शुरू थी वही आगे रखी गई है। और मुझे बहुत खुशी हो रही बताते हुए कि आने वाले साल में हमने 6 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए रखा हुआ है कि 6 करोड़ रुपए तक का खर्चा आ सकता है। अभी जो लास्ट ईयर के गए साल की फिगर है वो लगभग 18,100 लोगों ने फ़ायदा लिया है और उनकी जो तारीख है 31 मार्च 2023 को उनके पास ख़त्म हो रहे हैं। इसलिए सभी वरिष्ठ नागरिकों को हमने आह्वान किया है 31 मार्च के पहले वो अपना पास रिन्यू कर लें और उसके लिए हमने कैंप भी रखे थे। अभी लास्ट संडे को वसई में कैंप हुआ है, आने वाले संडे को विरार और नाला सोपारा में कैंप होने वाला है कि जिससे कि बुजुर्ग व्यक्ति को नगर पालिका में आने की नौबत न पड़े, उनको बार बार यहाँ आना न पड़े। वो अगर एप्लीकेशन वहाँ आकर कर देते हैं तो हम उनको एक हफ्ते में, आने वाले 19 तारीख को नवघर के जितने लोग हैं जिन्होंने एप्लीकेशन हमारे पास दिया है, लगभग 250 से 300 लोगों ने दिया है, उनको हम 19 तारीख को शाम को 5 से 7 के बीच में KT वाड़ी में दे देंगे। उसी तरीके 19 तारीख को जो जो लोग एप्लीकेशन करेंगे, बुज़ुर्ग लोग स्वयं आकर अगर वो करते हैं तो बड़ी आसानी से उनको अगले हफ्ते उनको हम ये पास आवंटित कर देंगे, उनको दे देंगे। तो मेरी नम्र गुजारिश है
जो बुजुर्ग हैं और दिव्यांग व्यक्ति हैं, जो कैंसर पीड़ित हैं और डायलिसिस वाले पेशेंट, इनको सबको हम ये सुविधा दे रहे हैं, इसलिए इसका फायदा वो जरूर से उठाएं। ये फिर से एक बार निवेदन करता हूँ और विनती करता हूँ। धन्यवाद। तो सर, एक सवाल पत्रकारों को भी हमें ऐसा लगता है कि वो आवेदन पत्रकारों की तरफ से आया था और हमने उस पर डिसीजन भी ले लिया है कि जो पत्रकार एक्रेडिटेशन कार्ड होल्डर हैं उनको हम सुविधा दे ही रहे हैं, उसके लिए ना नहीं है। एक्रेडिटेशन कार्ड होल्डर काफ़ी कम है, जबकि स्थानीय लोग, स्थानीय स्तर पर छोटे पत्रकार जो है जिनका एक्रेडिटेशन का शासन का कुछ नियमों, शासन हर समाचार पत्र को एक एक्रेडिटेशन देता है चाहे उसका कितना भी स्टाफ हो। तो उसमें भी हमने सेकंड ऑप्शन ये भी रखा था कि ACB ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन की तरफ से अगर जो अखबार 5000 से ज़्यादा यहाँ सर्कुलेट होता है उसका अगर सर्टिफिकेट आ जाता तो उस पत्रकार को भी हम देंगे, ऐसा भी हमने ऑप्शन रखा हुआ है कि भाई, क्योंकि आप भी जानते हैं कि वसई तालुका में स्थानीय पत्रकारों की संख्या बड़े पैमाने पर है, बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर हैं, तो हम उसको डिफाइन करने के लिए जो शासन के नियम हैं उसी के अनुसार हमको चलना पड़ेगा। तो वो हमने वो भी रेजोल्यूशन पास किया हुआ है। तो पत्रकारों से विनती है कि अगर एक अखबार को एक एक्रेडिटेशन कार्ड मिलता है तो कृपया ले लें, या तो उनका 5000 से ज़्यादा सर्कुलेशन है अगर वो सर्टिफिकेट दे देते तो भी हम तैयार हैं, उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है सर। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर